अस्सलाम वालेकुम जी। सो इस वक्त मैं अपनी एक खिड़की के पास मौजूद हूँ जिसका एक्चुअली खिड़की नहीं खुली हुई और शोर फिर भी आपको फील हो रहा होगा। माइक्रोफोन मैंने कोई नहीं लगाया हुआ, सिंपली जो बिल्ट इन कैमरा का जो माइक्रोफोन है वो यूज़ हो रहा है और अब मैं खिड़की खोल रहा हूँ। सो खिड़की खोलने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक बुरी तरह से ट्रैफिक का शोर आ रहा है, अब और ज़्यादा आ रहा होगा। सो नॉइज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, इवन लाइक आप अगर जर्नलिस्ट हैं या जो भी हैं, आप कहीं बाहर जा कर के किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं या इवन व्लॉग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आता है। दूसरी एग्जांपल इस रूम में आपको मिलेगी, यहाँ पर ये है सीन कि रूम खाली है और जब रूम खाली होता है तो ठीक ठाक किस्म का जो है रिवर्ब आना शुरू हो जाता है। रिवर्ब कहते हैं अब जब आपकी आवाज़ दीवारों से टकरा करके वापस आती है तो एक हल्का सा डिले आ रहा होता है और ये इतना मज़ेदार लगता नहीं। तो हमारी कोशिश आज ये है कि फ्री AI प्लगइन गोयो वो यूज़ करके नॉइज़ भी हटाएंगे और रिवर्ब भी हटाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो आप लोगों ने ऑडियो सुना कितना भयानक था और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने अपने किसी वीडियो में इतना शदीद बुरा ऑडियो रखा हो। एंड आई होप अब तो खैर आप लोगों को सही दिख रहा होगा। एनीवेज, जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा था दैट वाज दिस सोनी ZV-E10, बहुत छोटा सा सिंपल सा अच्छा सा कैमरा है और इसी के ऊपर यहाँ माइक्रोफोन भी बिल्टन दिया हुआ है, तो मैं बिल्टन माइक्रोफोन ही यूज़ कर रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का AI बेस्ड ऑडियो प्लगइन। अच्छा, ऑडियो प्लगइन के बारे में मैं आपको बता दूं, एक आप लोगों ने शायद सुना होगा VST प्लगइन्स जो होते हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और जितने भी ऑडियो बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं वो उस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास कोई कायद नहीं है कि आप प्रीमियर में यूज़ करना चाहें या ऑडिशन में यूज़ करना चाहें या इवन आपका OBS में यूज़ करना चाहें लाइव सेशन के दौरान, बिल्कुल कर सकते हैं। OBS पर मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन मैं आप लोगों को अभी प्रीमियर और ऑडिशन दोनों में यूज़ करके दिखाऊँगा। इस प्लगइन का असल काम यह है कि नॉइज़ रिमूव कर सकता है, रिवर्ब रिमूव कर सकता है, इनफैक्ट वॉइस अलग से निकाल के दे सकता है। सो दैट मीन्स कि अगर आप इसको कोई गाना भी दे दें तो उसमें से वॉइस अलग कर देगा, या आपको उसमें से वॉइस हटानी है सिर्फ म्यूज़िक रखना है वो भी आप कर सकते हैं। बहुत पावरफुल प्लगइन है, आइए मेरी स्क्रीन पर देखें। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है वेबसाइट goyo.app और इसमें आपके पास गेट गोयो, ये इसका इंटरफेस है। सो ये अभी इस वक्त ओपन बीटा है, फ्री है। अगर ये आगे भी ओपन ही रहता है तो ये फ्री ही रहेगा, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पर आपने सिंपली अपना ईमेल एड्रेस डालना है, इस पर चेक लगाना है और गेट गोयो, ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने जिस भी ऑडियो सेटअप में उठाना चाह रहे हैं उसमें उठाएंगे। किस तरह से उठाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रीमियर में बता देता हूँ, अगर आप एडिट पे जाते हैं और प्रेफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ पर जाएंगे आप ऑडियो में, जैसे ही आप ऑडियो में जाएंगे आपके सामने ये एक पैनल आ जाएगा। इस पैनल में यहाँ नीचे दिया हुआ है मैनेज ऑडियो प्लगइन्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर एक और पैनल आ जाएगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो VST प्लगइन्स का फोल्डर है वो यहाँ पर है और जो मैंने गोयो इंस्टॉल किया वो भी यहीं पर इसी जगह पर इंस्टॉल हुआ था। ठीक है, आपने सिंपली ये करना है स्कैन फॉर प्लगइन्स, वो ये चेक करेगा कि कोई नया प्लगइन अगर इंस्टॉल हुआ है। तो ये गोयो यहाँ पर दो आ रहे हैं, VST 3 दोनों हैं, इनेबल ऑल कर दीजिएगा चेक लगा के। अगर चेक ना लगा हुआ हो तो इस पर चेक लगा कर इनेबल ऑल कर दिएगा एंड यू आर गुड, आपके प्रीमियर में ये आ जाएगा। नाउ सिमिलरली अगर आप ऑडिशन में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली जाएंगे इफेक्ट्स में एंड ऑडियो प्लगइन मैनेजर, यहाँ पे जाएंगे, फिर वही सारा तरीकेकार जिस तरह से प्रीमियर में था ठीक उसी तरह से आप स्कैन करेंगे और इनेबल ऑल कर देंगे, दैट्स इट। नाउ अब इसका रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। लेट्स से ये जो हमारी ऑडियो थी जो आप लोगों ने देखी स्टार्टिंग में और उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हुए थे, वो एज इट इज़ आपको मैंने सुनाई कि प्रॉब्लम कहाँ और कितना है। सो अगर एक बार फिर से इसको सुन लेते हैं, एक्चुअली मैंने सिंपली अभी इस पर सिर्फ एक चीज़ लगाई हुई है, एम्पलीफाई इसलिए कि वॉल्यूम बहुत कम था। अगर मैं इसको 100% सुनाऊँ आपको तो ये हमारा ऑडियो था, बहुत हल्की वॉइस थी, बहुत हल्की। मैंने अपने कैमरा में लेवल्स सेट नहीं किए थे तो प्रीमियर में मैंने सिंपली इसके लेवल्स हाई करके, बल्कि आप यहाँ एम्पलीफाई ही कर लें डायरेक्टली, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी,
एम्पलीफाई किस तरह से किया, सिंपली यहाँ ऑडियो इफेक्ट्स में जाएं, यहाँ पर आपके पास एम्पलीट्यूड है और ये रहा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ा देता है, आप इसका जितना वॉल्यूम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। लगाया हुआ सिंपली जो बिल्ट-इन कैमरा का एंड जो माइक्रोफोन है वो यूज हो रहा है और अब मैं खिड़की खोल रहा हूँ। मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है बस, और कुछ भी नहीं किया, शोर मौजूद है। अब वो गोयो किस तरह से यूज़ करना है, आप सिंपली यहाँ इफेक्ट्स वाले विंडो में जाएं और यहाँ पे सर्च करें गोयो, ये रहा आपके पास गोयो का इफेक्ट, एंड आप इसको सिंपली ड्रैग करें एंड ड्रॉप कर दें। सो अगर आप यहाँ देखें आपके इफेक्ट कंट्रोल्स में आपके पास ये गोयो इंस्टॉल हो चुका है, आपने सिंपली ये करना है कि एडिट में जाएंगे और ये आपके सामने आ जाएगा इंटरफेस। इस इंटरफेस में आपने अगर देखें तो आपके पास तीन नॉब्स दी हुई हैं, एम्बियंस, वॉइस एंड वॉइस रिवर्ब। अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो आपको यहां दिखना शुरू हो जाएगा कि जी इसमें कितना नॉइज मौजूद है। खिड़की खोलने के बाद आपको ये आपका वॉइस है और ये आपका रिवर्ब है, तो रिवर्ब जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूँ वहां पर भी आ रहा है। अब आगे वाला जो है पार्ट जिसमें रिवर्ब ही था, देखें यहाँ नॉइज कम है लेकिन रिवर्ब ज्यादा है। अब आपने करना यह है सिंपली, इसको मैं कम कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा प्ले करके देखें, खिड़की नहीं खुली हुई और शोर फिर भी, ये देखें मैंने बढ़ा दिया, माइक्रोफोन मैंने कोई नहीं लगाया हुआ, सिंपली जो बिल्ट-इन कैमरा का, और ये मैंने जीरो कर दिया। खिड़की खोल रहा हूँ, तो खिड़की खोलने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब कहने का ये है कि इसने नॉइज को बिल्कुल तौर पे क्रश कर दिया है। अच्छा, जब इस तरह से इतना ज़्यादा आप नॉइज़ के ऊपर अफेक्ट करते हैं तो आपकी वॉइस के ऊपर भी मसला आता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा हम नॉइज़ रहने देते हैं ताकि आवाज़ एटलीस्ट सही रहे। किस हद तक बुरी तरह से ट्रैफिक का शोर आ रहा है अब और ज्यादा होगा, ठीक है जी। सो इतना बर्दाश्त के काबिल है, बिकॉज अगर आप आउटडोर हैं और आउटडोर में आप व्लॉग कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल आइसोलेटेड से आपकी आवाज आ रही हो, इधर उधर की नॉइज थोड़ी बहुत आएगी। तो यहाँ से फायदा यह है कि आप थोड़ी सी कम कर लें, बिल्कुल खत्म करना अजीब लगता है, लेकिन यहाँ से आप फिर वॉइस का वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। सो नॉइज हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, ठीक है जी। एंड अगर हम आगे जाते हैं तो अभी देखें यहाँ पर रिवर्ब जरूर आ रहा होगा, डिले आ रहा होता है और ये इतना मजेदार लगता नहीं। तो हमारी कोशिश आज ये है कि फ्री एआई अगेन, फिर वही मसला कि हमने क्रश कर दिया रिवर्ब लेकिन आवाज पर भी इफेक्ट आता है, तो थोड़ा सा रिवर्ब रहने देते हैं, आपकी आवाज दीवारों से टकरा कर। और अब अगर मैं बाईपास कर दूं इस पूरे को यहां से, देखिएगा कि क्या रिजल्ट है। ठीक है, सो यहाँ तक तो हो गई बात। अब अगर हमें ऑडिशन में करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं एक काम ये करता हूँ कि कोई गाना डाउनलोड करते हैं और उसको हम चेंज करके देखते हैं। ओके, सो मैंने एक गाना डाउनलोड किया है एपिडेमिक साउंड से, याद रखिएगा एपिडेमिक साउंड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी सब्सक्रिप्शन है, फ्री नहीं है भैया, पेड सब्सक्रिप्शन है, और मैं जितने भी म्यूजिक्स वगैरह यूज़ कर रहा होता हूँ मैं ज़्यादातर वहीं से डाउनलोड कर रहा होता हूँ। आई होप आप लोगों को इतना तो अब समझ में आ ही चुका होगा कि यूट्यूब पे कॉपीराइटेड गाने नहीं चला सकते। ऑलराइट, सो ये मैंने एक गाना डाउनलोड किया और मेरा टारगेट ये है कि इस गाने में से वोकल्स हटा दूँ, खाली म्यूज़िक रखूँ, सही है। So, मैं इतना सा हिस्सा इसका सेलेक्ट कर रहा हूँ, बस इतने से हिस्से में ही कर रहा हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं क्रॉप भी कर देता हूँ, इतना सा ही हिस्सा मेरे पास है गाने का, और मैं इसमें से हटाना चाह रहा हूँ वोकल्स। अच्छा, अगर तो आप चाहें तो यहाँ इफेक्ट्स में जाएं, वीएसटी में जाएं, यहाँ पे जाएं और ये रहा गोयो, ये मैंने ओपन किया और इसमें से मैं सिंपली ये चाह रहा हूँ कि जी एम्बियंस हटा दूँ। एम्बियंस, अब जाहिर है गाना है तो इसमें एम्बियंस क्या है, वो अज्यूम कर रहा है कि जितना म्यूजिक है वो एम्बियंस है, तो दैट मीन्स कि मैं म्यूजिक हटा सकता हूँ। सुने जरा, सही है,
मैं चाह रहा हूँ कि जी रिवर्ब भी हट जाए. But now I got my eye, said I know, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन मजेदार काम जब होगा कि जब मैं सब कुछ डिफॉल्ट कर दूं, डबल क्लिक कर दें, ये डिफॉल्ट पे आ जाती है. मैं चाह रहा हूँ कि जी गाने का वोकल्स और रिवर्ब जितना भी है वो हट जाए, सिर्फ म्यूजिक रहे. चेक करें जरा. तो आई होप आप लोगों को ये प्लगइन बहुत काम आने वाला है यार, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, फ्री है यार, अबव ऑल फ्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उधम मचा के रखा हुआ है. अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन आपके पास एडोबी पॉडकास्ट है. नाउ पॉडकास्ट वाला बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन फॉर इस तरह के टॉकिंग हेड वीडियो के लिए अच्छा है या पॉडकास्ट के लिए अच्छा है? वो पॉडकास्ट वाली साउंड जो है आपके व्लॉग में अच्छी नहीं लगेगी, ये बात दिमाग में रखिएगा कि एनवायरनमेंट हमें थोड़ा चाहिए होता है, और प्लस वहाँ पर आपको ऑडियो अपलोड करना पड़ता है. यहाँ पे आप अपने प्रीमियर में रहते हुए या ऑडिशन में रहते हुए अपनी आवाज़ से खेल सकते हो यार, मसला क्या है इसमें? आई होप आप लोगों को ये प्लगइन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें ज़ोर से ठोक के, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ. कुछ काम की चीज़ें बता ही देता हूँ यार. थैंक यू.